Hey, hello, good morning travelers. Hope you all are good. So आज का सीन ऐसा है, कल गए थे हम लोग रिवर साइड में, उसके बाद शूट करते करते टेम्परेचर मतलब 3-4 बज गए थे, सनसेट हो गया एंड उसके बाद ऑटोमेटिकली टेम्परेचर डाउन होता गया इंस्टेंट विद इन 5 मिनट्स में, और कैमरा काम करना बंद कर दिया. तो फिर कुछ नहीं, माइनस टेम्परेचर भी दिखा रहा था कि इस टेम्परेचर में मैं काम नहीं कर सकता हूँ, ना ही कैमरा ना ही फ़ोन, सब कुछ शट डाउन इंस्टेंटली विद इन 5 मिनट्स. और आज सुबह की बात यह है, सुबह उठा, अभी तो टेम्परेचर -10 या 12 होंगे, और सुबह उठते ही जैसे ब्रश करने के लिए कॉलगेट जाके देख रहा हूँ, पूरा जम गया है कॉलगेट. फिर बॉडी लोशन देख रहा हूँ, पूरा जम गया है, हालत पूरा ख़राब. अब सोच रहा हूँ यहाँ से निकलना चाहिए. हाँ, क्योंकि वैसे तो अच्छे लग रहे हैं बट सिचुएशन के हिसाब से बहुत ही हालत ख़राब हो रही है. सो अभी चलते हैं, ऐसे ही घूम रहे हैं, आगे दिखाते हैं आप लोगों को कहाँ चलते हैं. सो हम अभी एक्सप्लोर कर रहे हैं इनकी जो ट्रेल से पहाड़ के ऊपर जाते हैं ना, ये देखो. सो बर्फ़ से है तो वो तो जा नहीं सकते, इधर जाना चाहते थे बट कांट गो, जा नहीं सकते. ये देखो माइलस्टोन, काजा 0 किलोमीटर, ये बता रहे हैं कि हम काजा नहीं है. और लुक एट दिस मैन, लुक एट दिस व्यूज. सो सबसे पहले अभी तो ये व्यूज अभी हर एक वीडियो में दिखेंगे. हाँ, तो आज निकलने का था यार, कोई मिला नहीं, लिफ्ट नहीं मिला, अभी 2 बज रहे हैं यार, कुछ नहीं कर सकते. सो सबसे पहले भूख लग रही है, अभी रूम के जाऊँगा फिर खाना बनाऊँगा. उससे अच्छा यहाँ पे दीदी का रेस्टोरेंट है, कल जहाँ खाया था वहीं जाके खाता हूँ. सो पहले खाना खाता हूँ, चलते हैं फिर आगे बात करते हैं. सो खाने से पहले रास्ते में आ गया ये मॉनेस्ट्री, और लुक एट दिस मैन, लुक एट दिस. सो ये काजा मॉनेस्ट्री जहाँ पे आई लव स्पीति लिखा हुआ है, ये देखिए इसके ऑपोजिट में लिखा हुआ है आई लव स्पीति, दिस साइड है आई लव स्पीति, और इसके ऑपोजिट में ही मिलेंगे आपको ये मॉनेस्ट्री. अरे राजस्थानी छोरो, थोड़ा धीरे बोलो. सो दिस इज द मॉनेस्ट्री, और ये एंट्री पॉइंट था. और यार व्हाट ए लुक, मतलब देखने में क्या लग रहे हैं यार, ये शायद लामा लोग इधर रहते हैं, वो भी मॉनेस्ट्री टाइप है, वहाँ भी कुछ प्रेयर हॉल होंगे. और ये है वो मेन मॉनेस्ट्री, और यहाँ से व्यूज़ क्या है भाई, लाजवाब. सो मॉनेस्ट्री तो अभी बंद है, अंदर नहीं जा सकते, बस यहाँ ऐसे देखने के लिए आ गए, और बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे हैं यार. यहाँ के कुत्ते ना शेर जैसे हैं, इतना भौंक रहे हैं ना, डर लग रहा है अब तो, क्योंकि अकेला में. और ये जो छोरा है ना दूर में, छोड़ो चले, छोड़ो चले खाने को, परोठो खाए चलो. राजस्थानी बोलना नहीं आता, राजस्थानी बोलो. ये देखो कुत्ते को मैं दिखा रहा हूँ, देखो शेर जैसा है, एक पैर थोड़ा इनका ये है, फिर भी शेर जैसा लग रहा है. यहाँ की मतलब क्लाइमेट के हिसाब से ना ये लोग देखने में शेर जैसे हो जाते हैं, मोटे बड़े बड़े बाल, क्योंकि ठंड है और ठंडी जगह में इनको सर्वाइव करना होता है. इनके तो चारे पुश्ते इधर ही रहते हैं, तो इनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है ठंड में सर्वाइव करना. सो इसलिए क्लाइमेट के हिसाब से वो बड़े बड़े बाल हो जाते हैं फेस पे, पूरे शरीर पे इनके. सभी मॉनेस्ट्री से निकलते हैं और चलते हैं दीदी जी की ढाबा की तरफ, सोनम ढाबा. हाँ, सो वो जो है आई लव स्पीति, उस जगह पे आ गए. और यहाँ से हाइट देख के, कौन है जिप्सी 4x4 पंजाब पंजाबी. सो ये है ये वो जगह, एंड ये जगह भी अभी क्या लग रहा है, लुक एट दिस मैन, लुक एट दिस, वाओ वाओ. सो हम लोग जिस ढाबे पे आए, दीदी का ढाबा सोनम ढाबा, बंद है. यही तो बच्चे वाले ना, ये बंद है बाबा, जो बच्चा वाला था. अरे आप मेरे साथ आओ ना, मैं दिखाता हूँ ना आपको भाई व्यू क्या आ रहे हैं. सबसे बड़ी चीज़ क्या है, सन जो पड़ रहे हैं ना वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, और रिफ्लेक्ट करने के बाद ना आप मतलब अगर आप यहाँ रहते हो, लोकल रहते हो, वो तो हैबिचुएट हो चुके हैं, उनका रह के आदत हो चुका है. बट हम जब ऐसे ही देख रहे हैं ना,
तो अंधा हो जाते हैं, देख नहीं पाते हैं। सो चलते हैं अभी खाने के लिए, चलो रूम पे चलते हैं। हाँ वैसे भी चावल बनाना पड़ेगा, तो पराठा मिलते तो खा लेते हैं, अगर पराठा मिलते तो खा लेते हैं, वरना रूम पे बस चावल बनाना पड़ेगा क्योंकि दाल बनाया था तो वो तो है रात का दाल, और एक फ्राई कर लेंगे ऑमलेट, ऑमलेट दाल फ्राई एंड चावल। चावल खाओगे या रोटी? पराठे अगर नहीं मिले तो रोटी नहीं बनाऊंगा मैं, चावल ही बनाऊंगा, चावल बनाते हैं। चलो फटाफट, अरे बाई चांस अगर नहीं मिले इसलिए बोल रहा हूँ, ऐसे क्यों बोल रहे हो? चलो आपसे बात करना ही बेकार है। यहाँ पे एक ढाबा खुला है, सो भैया नाम क्या है आपके ढाबा का? कुड़ुम ढाबा। कुड़ुम ढाबा। सो ये आया है तो क्या है थुक्पा, और ये देखो बंदा कैसे खा रहा है भाई, सब तो है ही नहीं इसमें, आते ही टूट पड़ा है, ऐसे कौन खाता है भाई। ये आया पानी और आएगा अभी चाउमीन। सो मैं तो पहले चाउमीन से ट्राई करूँगा भाई, यही खा के जीना पड़ रहा है इधर। ये मतलब इस बंदे को मैं समझा रहा हूँ कि खाना है सर्वाइव के लिए, जीने के लिए खाना है, खाने के लिए नहीं जीना है, समझता ही नहीं है बंदा। देखो कैसे खा रहा है, देखो। हाय। सो ये दोनों जो है, ये दोनों आइस हॉकी खेलते हैं, तो आइस हॉकी प्लेयर है ये दोनों। एक बार हाय कर दो आप। शाय। इसको सर मार रहे हैं। चलो कोई नहीं, ये देखो ये बंदे को देखो, धीरे खाओ बाबा धीरे खाओ, गले में अटक जाएंगे फिर क्या करोगे, धीरे खाओ। ये बंदा भाई ये देखो चटनी, ये बहुत ही ज़्यादा तीखा है, ये मिला के खाने के लिए बोल रहा है, ये मारेगा पता है मेरे को। सो ट्राई करते हैं वो चटनी के साथ कितना तीखा है। बहुत ज़्यादा तीखा है, कैसे खा लेते हो इतना तीखा? राजस्थान में इतने लोग तीखा खाते हैं क्या? बहुत तीखा है ये बंदे ने, टेस्टी टेस्टी बोल के ना बहुत तीखा खिला दिया। अब आ चुका है अपना चिकन चाउमीन। हाँ चिकन चाउमीन, कैसे बोल रहे चिकन चाउमीन? देखो सही है, देखो उसको देखो कैसे खा रहे हैं, देखो कैसे खा रहे हैं। दो दिन से भूखा था ना, कल से कुछ खाना दिया ही नहीं था भैया ने, इसलिए ओके झूले भैया बाय बाय चले जनाब, निकले आगे बढ़े। अरे चलो मीट चावल भी है भाई। हाँ मीट चावल भी है, खाना है मीट चावल, मैं तो देख रहा हूँ बहुत भूखे हो आप, यहाँ दो दिन का खाना खा लिया फिर भी लग रहा है ये भूखे है। देखो इनके चेहरे कितने मासूम चेहरे हैं इनके, बर्फ से भीगे हुए, बर्फ से भीगे हुए। कुछ खाने मांगता, कुछ खाना मांगता उसको जी, कुछ है दे दो। सो भाई पेट पूजा तो हो गई, और इतना ज़्यादा हो गई कि क्या बताऊँ, भाई साहब तो बहुत ही ज़्यादा खाते, सो उनके साथ साथ मेरा भी हो गया। सो अभी हैं हम मार्केट में, और मार्केट से आगे चलते हैं। फ़ोन ले लिया मैंने अपना, कैमरा मेरे हाथ में ही है, सो डोंट वरी। सो एक चीज़ यहाँ के काजा के बारे में एक चीज़ पता चला, जा रहे ढाबा पे बैठ के हम लोग खा रहे थे तो वहाँ वेज और नॉन वेज की बातें हो रही थी। सो उन्होंने बताया कि जब काजा में रोड कनेक्टिविटी नहीं था तो फिर सब्जी नहीं आते थे, क्योंकि यहाँ पे तो सब्जी उगती नहीं है, तो सब्जी नीचे से आते हैं, तो यहाँ पे सब्जी नहीं आता था, तो यहाँ की लोग याक के मीट खाते थे, और वही खा के वो लोग अपना मतलब सर्वाइविंग जो सर्वाइवल के लिए सर्वाइव के लिए वो मीट खाते थे, और याक की मीट। सो पहले तो बहुत चलता था याक की मीट, अब सब्जी आना हो गया है, पनीर आने है, फिश सब कुछ आ रहे हैं नीचे से, सो फिर वो मतलब लोग अपने हिसाब से जिसको चाहिए वही खाते, पहले तो बहुत खाते थे इधर।
मेरे को भी ट्राई करना चाहिए यक की मीट, देखते हैं मिलेगा तो ट्राई करूँगा। अभी तो 3 बज चुके हैं और देखो व्यू यहाँ से क्या लग रहे हैं, सनसेट होने ही वाला है 3:30 तक, यहाँ नॉर्मली सनसेट हो ही जाते हैं मैक्सिमम 4 तक। कैमरा ख़त्म हो चुका है, मोबाइल डेड हो चुका है, बस गोप्रो बचा है। हाँ भैया आ चुके हैं और हम थोड़ा चलेंगे हॉस्टल की प्रॉपर्टी के वहाँ और खेलेंगे थोड़ा। भाई साहब ये देखो कितना स्लीपी है भैया, ग्लेशियर बन चुका है, अगर मैं गिर गया ना खुद को माफ़ नहीं कर पाऊँगा, मतलब उठ नहीं पाऊँगा। अरे ओह जा भाई, नहीं जाना इधर से, गिर गया था देखो, पूरा ग्लेशियर टाइप का बन चुका है, इतना स्लीपी। और ये अपना पपी या डॉग, हट जा बाबा। ये हम मुझसे डरते हैं और मैं इनसे डरता हूँ, दोनों से डरते हैं। सो भाई साहब हाल चाल है ऐसा, अब चल रहे हैं अपन स्नो में और स्नो के अंदर 2-2 फुट स्नो के अंदर पैर डाल के आगे चल रहे हैं। और दिस प्रॉपर्टी ऑन बाय जॉस्टल, सो ये जॉस्टल की प्रॉपर्टी है, बट विंटर, इनकी विंटर वेकेशन चल रहा है, दैट्स मीन्स विंटर में यार सब कुछ यहाँ जम जाते हैं। अरे यार पैर तो अंदर ही यार, सो दैट्स वाई ये लोग हॉस्टल विंटर में चला नहीं पाते। और नवंबर तक, शायद नवंबर 15 तक ये चालू रखते हैं और उसके बाद दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल को खोलते हैं, फर्स्ट वीक को, अप्रैल के फर्स्ट वीक से फिर ये रीओपन करते हैं अपने हॉस्टल को, फिर इधर आके आप रह सकते हो। सो ये हॉस्टल के बाहर जो है मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो पूरा 2-2 फुट का पूरा बर्फ़ पड़ा हुआ है। सो मैं इधर इसलिए लाया आपको क्योंकि अपन जो रह रहा है वो हाउस है और यहाँ से व्यूज़ देखो, लुक एट दिस। और यहाँ पापा आने का मतलब आने में थोड़ा सुकून मिलता है, मैं आपको एक व्यूज़ दिखाऊंगा आगे, जस्ट आप मतलब क्या बताऊँ, एक अलग ही लेवल का व्यू है ये व्यू, आप देख ही पा रहे होगे। सो दिस इज़ द व्यू। ये जो ट्रेल्स बना हुआ है ना, ये ट्रेल्स ये अपन ने बनाया था वहाँ जाने के लिए, और वो वाला भी वो बनाया था उधर जाने के लिए। और यहाँ से जो ये जो स्नो है ना, ये 2 फुट का स्नो है बट यहाँ पे ना ज़्यादा है, ये 3 फुट से भी ज़्यादा होंगे, पूरे नी तक आ जाते हैं, नी के साइड तक पूरे पैर अंदर चला जाते हैं स्नो के। और स्नो के अंदर चलना भाई बहुत ही मुश्किल है, पूरा स्नो मतलब कपड़े एंड शू स्नो से भर जाते हैं, फिर जब हालत होते हैं ना भाई क्या बताऊँ, ठंड से हालत ख़राब हो जाता है। हाँ बहुत स्नो देख लिया भाई, सोच रहे निकलने का, कल देखते हैं भाई साहब को बोल के रखा है कोई जुगाड़ होता है तो, बट कुछ भी होगा मेरे को निकलना है, हाँ जाना है कहीं और, देखते हैं कहाँ चलते, कहीं डेस्टिनेशन कहाँ होगा मेरा पता नहीं, बट चलो एक स्नो वॉक आपको देते हैं। स्नो वॉक मतलब आपको, आप भी सोचोगे कि यार ये बंदा बस बोल ही रहा है, देखा नहीं रहा है चल के कि कैसा है इधर स्नो, सो दैट्स वाई चलो एक बार मैं आपको स्नो दिखाता हूँ। एंड ये देखो यहाँ पैर रखूँगा मैं, आप देख पाओगे कि कितना ज़्यादा, ओ भाई ये तो पूरा बर्फ़ हो चुका है, ये जम चुका है, मतलब फ्रेश स्नो पड़ा है उसके बाद ठंडे से पूरा जम चुका है। अब मैं दिखाता हूँ कितना अंदर तक जा सकता हूँ मैं, मतलब बहुत ज़्यादा। अब देखो ये आ गया फ्रेश स्नो, अब फ्रेश स्नो आते ही अब मैं पैर डाल रहा हूँ, अब देखना पूरा अंदर चले जाएंगे। ओ भाई ये देखो यहाँ तक आ गए, मतलब 2.5 फुट की तो स्नो है ही है, देखो ये हो गया आपका स्नो वॉक। अरे यार पूरा भर रहे हैं स्नो से, ये न्यू रास्ता मैं बना रहा हूँ अभी, न्यू ट्रेल्स। सो बस कुछ देर ही बनाऊँगा क्योंकि मेरे को पता है मैं ज़्यादा देर अगर स्नो में रहूँगा तो हालत ख़राब होने वाली है, ये पूरा फ्रेश स्नो है। हाँ स्नो वॉक जस्ट ऐसे ही कर रहा हूँ, देखो पता नहीं देख पा रहे होगे यानी, बट यार देखो 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 ऐसे ही चलता 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 हालत ख़राब हो जाता है। हो दौड़ सकता हूँ इधर मैं, अब देखो मैंने ट्रेल्स बना लिया, ये देखो कितने दूर चल के आ गया मैं, ये पूरा ट्रेल्स बना दिया मैंने वहाँ तक। सो
लेट्स एक बार दौड़ते हैं स्नो में, स्नो के अंदर स्नो रन ले हो गया। अब क्या बना दिया मैंने, अब दौड़ते हैं। ओ भाई ऐसे ही दिखाने के लिए दौड़ रहा हूँ, हालत ख़राब होने वाला है मेरा। ओ हो हाँ, अब देखो क्या बना दिया पूरा, ये न्यू ट्रेल्स बन गया और मेरा हालत देखो। सो हालत तो पूरा ख़राब है, धूप है, पता नहीं चल रहा है, पैर ठीक ठाक है अभी काम कर रहा है और हाथ भी काम कर रहा है, सो पता नहीं चल रहा है, वरना यहाँ इतना हालत ख़राब हो जाते हैं ठंड से क्या बताऊँ। ओह हालत ख़राब है भाई। सो देखते हैं अभी चलते हैं, कुछ काम है, वीडियो एडिट करना है, और क्योंकि भाई साहब काम तो मैं ही मैनेज करता हूँ तो कुछ और काम होगा, नए बुकिंग आए होंगे वो देखना है, और क्या है। हाँ शाम को अगर निकलते हैं तो हाँ शाम को दिखाते हैं आपको, अगर नहीं निकलते हैं तो देखा जाता है क्या होता है। हे गाइस, तो क्या हुआ शाम को कहीं निकल नहीं पाए, और ये वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। कीप तब तक के लिए कीप वॉचिंग वंडर विजन एंड थैंक यू सो मच।